हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है यू वर्सेस देम, यानी आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपकी करंट एनर्जी, फीलिंग, थॉट्स, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या पोटेंशियल आउटकम होगा, मैसेजेस क्या हैं, लव मैसेजेस क्या हैं, एडवाइजेस क्या हैं, एंड सो एंड सो। रीडिंग को एंड तक देखिएगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं येस और नो सेशन भी करूँगी रीडिंग के दौरान। अगर गाइडेंस का कार्ड पुल आउट करने की नीड हुई तो वो भी डेफिनेटली करूँगी। चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, और जो लोग चैनल पे सब्सक्राइब हैं और वीडियोस को लाइक करते हैं, देखते हैं, उन सबकी मैं बेहद ममनून हूँ, बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत 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 शुक्रिया। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी रीडिंग को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और मुझे ग्रो करने में बहुत हेल्प कीजिए। ये टाइमलेस जेंडर और कलेक्टिव होगी, आप वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हों। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो उनको अननेसेसरली इम्पोज अपने ऊपर मत कर लीजिएगा। मैं दो डिफरेंट डेक यूज़ कर रही हूँ, मैं एक ही डेक से दोनों की एनर्जीज नहीं निकालती, मैं दो डिफरेंट डेक यूज़ कर रही हूँ। ये डेक आपके पार्टनर के आपके लिए होगा, और ये डेक आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए होगा। तो लेट्स सी फर्स्ट आपकी एनर्जी। यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड्स, माई एंजल्स, मताला, प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर की एनर्जी। थ्री कार्ड्स आ गए, फोर कार्ड्स आ गए, फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये सबसे लास्ट में आया था द हर्मिट। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो, मैं इसको सेंटर में। देन वी हैव द मून एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जनाब, यूं कर देते, सही है, ओके। आपकी रीडिंग फोर ऑफ कप से स्टार्ट हो रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द हर्मिट, वर्गो, द मून, पाइसिस एनर्जी, और टेन ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। आप आजकल काफ़ी क्वाइट और काफ़ी रिजेक्टिंग मोड में नज़र आ रहे हैं। इमोशनली आप काफ़ी खामोश हुए हुए हैं, अपने आप को किसी के लिए भी किसी भी सिचुएशन में अवेलेबल आपने नहीं किया हुआ है। रीज़न उसकी अगर मैं इसको यूं भी कर दूं तो भी आपके लिए शायद समझना आसान होगा। पहले आपको कार्ड्स करीब से दिखा देती हूं। आप एक अननेसेसरली सी एक लो एनर्जी में हैं, डिप्रेस सी एनर्जी में हैं, आप एक मोनोटनस रूटीन से थोड़े से घबराए हुए हैं। आपको लग नहीं रहा है इस वक्त कि आपको इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज यू सीम्स टू बी कम्प्लीट ऑल अराउंड। आपको हर तरीके से आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ मूविंग अकॉर्डिंग टू द वे, जिस तरीके से, जिस लिहाज से, जिस चीज़ को भी मूव करना चाहिए विद द फ्लो वो चल रही है, जिसकी वजह से आपने शायद अभी कोई रीसेंट पर्सन या कोई रीसेंट एनर्जी है जो आपको अप्रोच कर रही है, लेकिन आपने प्री प्लान किया हुआ है कि आप किसी भी फॉर्म में किसी को भी अपने आप को इमोशनली अवेलेबल या ओपन नहीं रखेंगे एज एन ऑप्शन। आप बहुत कुछ आजकल सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग टीचर्स हो सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग स्कॉलर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज़ में हैं। बहुत सारे लोग आपसे एडवाइजेज ले रहे हैं। यहाँ पर आपका कम्प्लीट फेज़ जो है वो ये है, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को किसी बड़ी टॉक्सिक एनर्जी से अभी बाहर निकाला है। क्योंकि आपसे लोग बहुत ज़्यादा एडवाइस लेते हैं, इसलिए आप उनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फैमिली टाइम आप गुजारने में थोड़ा इस वक्त ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के फाइनेंसिस के लिए भी सोच रहे हैं, अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी का भी सोच रहे हैं, और अपनी फैमिली की ग्रोथ का भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। या तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कोई रिश्ता पक्का हुआ है और वो प्रोग्रेस कर रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फियर हो रहा था, कोई एनजाइटी हो रही थी। आपने शायद अपनी पसंद के प्रपोज़ल्स को एक साइड में रख के किसी और प्रपोज़ल की तरफ भी नज़र की है। ये एक सुपर स्पेसिफ़िक मैसेज है, बिकॉज़ फोर ऑफ कप्स जो है वो
रिजेक्ट करने का कार्ड होता है। आपकी चॉइस को या तो किसी ने रिजेक्ट किया है और आपको आपके ऊपर फिर यकीनन किसी ने अपनी पसंद को या अपने प्रपोज़ल को इम्पोज किया है, और आपको ये बात इसलिए भी मानना पड़ी कि आपको ये लग रहा है कि जिससे आप एडवाइस लेते हैं उसने आपको आपको गलत एडवाइस नहीं दी होगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं विद दिस मून कार्ड। आप इस शादी को लेकर, इस प्रपोज़ल को लेकर, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर 10 of Cups और यहाँ पे 10 of Pentacles और यहाँ 4 of Cups का कार्ड आया है, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू अ प्रपोज़ल और अ कमिटमेंट। किसी रिश्ते को लेकर या किसी शादी के प्रपोज़ल को लेकर यहाँ पे ज़रूर कोई सिचुएशन है। आपको शायद ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी फैमिली को आपके लिए स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और आपको ये बात देखकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। इसको इस तरफ कर देते हैं। लेट सी आपकी इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं। ये तो आपकी एनर्जी थी, लेट सी कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एट ऑफ कप्स, ओके, नाउ आई गॉट इट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। आपने यकीनन किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया है, सॉरी, ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और ये टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉन है। आपने किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया है, कोई रिश्ता, कोई पर्सन, कोई कमिटमेंट, कोई प्रपोजल आपको बहुत सर्व नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आपको उस जगह से निकलना बहुत ज़रूरी था और आप निकले हैं, तभी आपके लिए ऊपर वाली एनर्जी जो है वो एक्टिव हुई है। यहाँ पर आपको यकीनन कोई जॉब ऑफर हुई है, कोई पार्टनरशिप ऑफर हुई है, या ये प्रपोज़ल जहाँ से आया है वो आपकी वर्क प्लेस है। अब ये प्रपोज़ल आपकी शादी के लिए भी हो सकता है या प्रपोज़ल ये आपकी जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है। आपकी फीलिंग्स में ये है कि आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी यूँ लग रहा है कि आपको ऑकवर्ड सी सिचुएशन लग रही है कि मेरे सोशल सर्कल्स में होते हुए ये कैसे ये चीज़ पॉपअप हो गई और मैं इसको हैंडल कैसे करूँ, जबकि आप अभी रिसेंटली इस सिचुएशन से निकले हैं। आपने प्लान नहीं किया था कि आपकी शादी के मुतालिक बात होगी, या आपको फ़ौरन इमीडिएटली वॉक अवे करने के बाद फ़ौरन ही कोई एक नया पर्सन या कोई नया प्रपोज़ल मिल जाएगा, जिसके लिए आपकी थोड़ी सी कंफ्यूज सी फीलिंग हो रही है। शायद ये हर्मिट का कार्ड इसीलिए आ रहा है कि आप थोड़े से इस मामले में डरे हुए हैं। लेट्स सी आपने वॉक अवे किस सिचुएशन से किया है। लेट्स सी आपने वॉक अवे किस सिचुएशन से किया है। ओके, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम थे ये, यकीनन आपने लव रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है बिकॉज आपको वो चीज़ सर्व नहीं कर रही थी। और या तो कुछ लोगों के लिए ये वॉक अवे का कार्ड है, आपके पार्टनर ने आपसे वॉक अवे कर लिया, कहीं और पार्टनरशिप कर ली, या फिर आपने वर्क प्लेस पर ही अपने पार्टनर को किसी और के साथ मिंगल होते हुए चेक किया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट करके दूसरी ऑफ़र किया, जबकि ये आपके सोलमेट हैं, आपने इनसे काफ़ी शिद्दत से मोहब्बत की, लेकिन उन्होंने आपको सर्व प्रॉपर नहीं किया, ट्रीट प्रॉपर नहीं किया और आप इनसे वॉक अवे कर गए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप यकीनन वॉक अवे का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये फील हो पा रहा है कि ये रिलेशनशिप अब आपको प्रॉपरली सर्व नहीं कर रहा, और आपके लिए आगे बढ़ना इसलिए ज़रूरी है वरना आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो अटक जाएगी। लेट्स सी आपकी थॉट्स क्या हैं। व्हाट इज़ इन योर माइंड। आपके बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी आ रही है। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 3-3 बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी लाइफ को फ्रेंड्स के साथ या वैसे ही आप चाह रहे हैं, आप मिसिंग एलिमेंट में हैं, एक मिसिंग एनर्जी में हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रीयूनाइट होना चाह रहे हैं, आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, आप डिप्रेशन में नहीं जाना चाह रहे, आप एंजाइटी में नहीं जाना चाह रहे, आपको लग रहा है कि अगर आपने डिसीजन लिया तो आपकी तरफ बेटरमेंट है, आपको अच्छी और गुड न्यूज़ और आपको पैशनेट पर्सन आपको अब मैनिफेस्ट कर सकेंगे, लेकिन वो तभी होगा जब आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे। आपके माइंड में भी इस वक्त यही चल रहा है कि आपको अपने आप को टाइम देने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके कोई फ्रेंड्स आपका वेट कर रहे हैं, आपको फ्री होने का वेट कर रहे हैं, आपसे पार्टी करने का वेट कर रहे हैं, आपके साथ बैठ के बात करना चाह रहे हैं। कोई ख़ास पर्सन यहाँ पर तो ज़रूर है जो आपका वेट कर रहा है, आपकी इंगेजमेंट की वजह से उसने पॉज लिया हुआ है। द मोमेंट आपके इंगेजमेंट से आप फ्री होंगे, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। तो आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग और आपकी थॉट्स,
नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी, चेक करते हैं यू वर्सेस देम की रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है। नाइन ऑफ कप्स, आप लोगों की रीडिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो कप्स आए हुए हैं। इसको अभी मैं यहाँ कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए, फिर मैं इनको ऊपर कर दूँगी। ऑलराइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंसीविंग प्रोसेस में हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, या तो आपके पार्टनर मेल तो हो नहीं सकते, फीमेल ही होंगे डेफिनेटली, कंसीविंग प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर प्रेग्नेंट नज़र आ रहे हैं, प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी खुश हैं, किसी को कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ पता चलने वाली है। दूसरी तरफ ये कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बड़े ही उनकी इंटिमेसी और रोमांस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ज़्यादा मेच्योर पर्सनालिटी है, इमोशंस बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं। इवन वो आपके इस ग्लो को, प्रेगनेंसी के ग्लो में भी आपके इस ग्लो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप उनको। और अगर ये न्यूज़ वो ख़ुद आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आपने उनको इस गुड न्यूज़, ये गुड न्यूज़ दिलाई है और ये गुड न्यूज़ आपने उनको सुनाई है, जो कि इस वक्त उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इस वक्त खुशी की है। पेज ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ एन ऑफ़र, वो आपको यकीनन मज़ीद कुछ और भी ऑफ़र करना चाहते हैं। इट कुड बी लव, इट कुड बी गिफ्ट, इट कुड बी इमोशन। ये बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग है। और सबसे अच्छी बात, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किसी प्रोजेक्ट की गुड न्यूज़ भी आने वाली है। कोई प्रोजेक्ट आपके पार्टनर को ज़रूर मिलने वाला है या मिला है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एंड दिस कुड बी बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। इस न्यूज़ की वजह से उनको लगेगा, जब ये न्यूज़ वो रिवील होगी तो डेफिनेटली उनको अपनी मेहनत का फल नज़र आएगा, और वो बहुत पेशेंटली इस न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स इज़ नॉट रिलेटेड, यहाँ तो इस इमेज में ये लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। अदरवाइज इट्स अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, आपके पार्टनर आपको लेकर अपने आप को बड़ा ही कंप्लीट फील कर रहे हैं, आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील कर रहे हैं। आपको देखते हैं, आपको देखकर उनको खुशी महसूस होती है, आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, इट इज़ मेकिंग देम वेरी हैप्पी। और वो वाकई चाहते हैं कि वो आपको मुस्तकिल कुछ ना कुछ वो कंटिन्यूसली आपको ऑफ़र करते रहें। अब मैं ये कार्ड्स यहाँ पर कर देती हूँ बिकॉज मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं। अच्छा, ये यू वर्सेस देम में आपकी एनर्जी तो बड़ी ही डिफरेंट नज़र आ रही है कंपैरेटिवली टू योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूव्ड भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप जो हैं वो पता नहीं क्यों इतने बोर्डम का शिकार हैं, और आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ से रिलीज़ होना चाहते हैं। बट यहाँ तो पिक्चर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। उप्स, आपकी पार्टनर की एनर्जी में कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, कहाँ कहीं डिस्ट्रैक्शन चल रही है आपके पार्टनर की माइंड में। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स। किंग ऑफ कप्स, अरे वाह, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। आपके पार्टनर को आपको लेकर बड़ी क्लैरिटी है, एंड दिस कुड बी दिस न्यू प्रपोजल एज वेल। ये जो आपको फियर था जिससे आपने मूव ऑन कर लिया अपने पुराने रिलेशनशिप से, और ये जो नया पर्सन आपके लिए आने वाला है, जो मैं कह रही थी कि वो आपके फ्री होने का वेट कर रहा है, वो आपके लिए काफ़ी जेन्युइन इमोशंस रखता है, और वो डेफिनेटली उसको तो क्लैरिटी है विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स। वो आपके आके आपसे बिल्कुल क्लियर बात जिसे कहना चाहिए ना, उसको बिल्कुल क्लैरिटी है कि उस वो राइट ऑन स्पॉट जिसे कहना चाहिए, राइट ऑन स्पॉट उसने चीज़ आपके ऊपर हिट की हुई है, एंड दे विल बी ऑफरिंग यू समथिंग वेरी स्टेबल। और वो छोटी ऑफ़र होगी लेकिन बहुत अच्छी ऑफ़र होगी। शायद आप लोगों की कम्युनिकेशन रुकी हुई है, वो ओपन होने वाली है, लेकिन इस पर्सन के इमोशंस, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ब्लेंड बहुत जेन्युइन और जेनरोसिटी का ब्लेंड है। यानी किंग ऑफ कप्स, इट्स अ जेन्युइन कार्ड ऑफ इमोशंस, कोई फेक बात नहीं, बहुत ही सीनियर, बहुत ही मेच्योर पर्सन जिसके अंदर कोई झोल नहीं होता। और किंग ऑफ वॉन्ड्स बड़ा ही पैशनेट, जिसकी जो बहुत ही रोमांटिक होता है हर लिहाज से,
आपके पार्टनर तो बहुत ही आपकी तरफ, जिसे कहना चाहिए उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत अच्छी हैं. लेट्स सी व्हाट इज इन देयर माइंड, उनके माइंड में क्या है. लेट्स सी, यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं. व्हाट सी, लेट्स सी व्हाट इज इन देयर माइंड. व्हाट सी में कह रही थी. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके. द हर्मिट, अरे वाह, दोनों ही की रीडिंग में हर्मिट आया है. तो दैट मीन्स आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल जर्नी पार्टनर हैं. आप लोग एक स्पिरिचुअल कपल हैं और ये डेस्टिन्ड कपल हैं आप लोग. ये तो मुझे फॉर श्योर लग रहा है, बिकॉज आपकी भी अवेकनिंग हो रही है, इनकी भी अवेकनिंग. ये डिटैचमेंट जो आप दोनों के दरमियान है, या ये जो डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान है, ये शायद आप दोनों को इवॉल्व करने के लिए और ग्रो करने के लिए है. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा सक्सेस और बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से और बहुत मेहनत से कर रहे हैं, जो कि आपको लग रहा है कि ये इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी पार्ट है. आपके पार्टनर की फीलिंग्स या थॉट्स उनके माइंड में यही है कि आपकी साइकिक एबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट और बहुत ज़्यादा फेम दे रही है, जिसकी वजह से जो बातें आप उनकी सेंस कर लेते हैं, इंट्यूट कर लेते हैं, वो जेन्युइन बातें होती हैं, और वो उनको दिन ब दिन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है. लेट्स सी यू वर्सेस देम में इस रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है. ओवरऑल एनर्जी इस रिलेशनशिप की क्या है यू वर्सेस देम की रीडिंग में. ओवरऑल एनर्जी इस रिलेशनशिप की क्या है. कॉन्शियसनेस, ये भी आप देखें तो एक तरीके से मैं तो इसको हर्मिट का कार्ड ही समझ. लेजी, नंबर 9. यस, आप दोनों की विश फुलफिलमेंट कंप्लीट है. आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कंप्लीट पैकेज हैं. आई डोंट नो, आपने या तो अपनी लाइफ से किसी पर्सन या किसी एनर्जी को मूव ऑन किया है, डिटैच किया है, तो आप ये सब कुछ जो है वो मैनिफेस्ट करके आपको मिल रहा है. आप हो सकता है इस वक्त अपने आप को इमोशनली अनअवेलेबल रखने की वजह से सेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन आप कॉन्शियसली इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में बड़े हार्ड टाइम के बाद मूव हो रही है, और अब आप सिर्फ इन्जॉय करना चाहते हैं. अब आप शायद किसी भंडे में नहीं पड़ना चाहते, किसी मसले में नहीं पड़ना चाहते. आप चाह रहे हैं कि बड़े अरसे बाद ये सब कुछ सुकून आया है, एक्टिव हुए हैं आप, कॉन्शियसली तमाम चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं. तो आप दोनों की इस वक्त एनर्जी ओवरऑल यही है कि आप लोग बहुत ही लेज़ी वे में सुस्तुल वजूद हुए हैं. इन शॉर्ट, आप लोग बहुत ही ज़्यादा सुस्तुल वजूद हुए हैं. लेट सी मोर इस यू वर्सेस देम की ओवरऑल एनर्जी क्या है. नंबर 16, दिस इज टावर फॉर मी एंड थ्रॉट चक्रा. ओके, पहले ये कार्ड आया था. आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों, मैं यहाँ रख देती हूँ. सही, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. आप लोग जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे, जो डिटैचमेंट फेज़ है, और जब आप लोग का यूनियन होगा, आप लोग अपने, आप लोग किसी भी मामले में नहीं रुकेंगे. यानी आपके हलक में इस वक्त बातें रुकी हुई हैं, एंड आप भी और आपके पार्टनर दोनों रेडी हैं कि जैसे ही, दोनों ने सोचा हुआ है कि जब कभी भी मिलेंगे तो सबसे पहले एक दूसरे को बातें सुनाएंगे, और बातें सुनाने के बाद आप दोनों के दरमियान एक लड़ाई होगी. थ्रोट चक्रा इज अ चक्रा विच इज़ एक्टिव नाउ. आप अपने दिल की बात कह देना चाहते हैं. टावर का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि हो सकता है इस बातचीत के खुलने पर आप लोगों की लड़ाई हो. बट लेट सी के वॉट विल हैपन आफ्टर दिस टावर, क्योंकि लड़ाई होगी ये मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है क्लियरली. आप लोग जब बात करेंगे एक दूसरे से, तो सबसे पहले आप लोग लड़ेंगे. उसके बाद क्या होगा जनाब? उप्स, अरे बाप रे. उसके बाद ये फोर ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि शादी का कार्ड होता है. इसका मतलब आप लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, पहले रोएंगे, पीटेंगे, रज के एक दूसरे को बातें सुनाएंगे, और फिर आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन बनाएंगे. आप लोग का यूनियन होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर लग रही है. मेरे ख़्याल से आपने जो खामोशी इख्तियार की है, उस खामोशी में मुझे जो वॉक अवे की आपकी एनर्जी थी अपने इस पार्टनर से, नाउ आई थिंक कि ये पर्सन यही होगा जो वापस आएगा. इसने जो भी भंड किया है यहाँ पर,
जो भी मसला क्रिएट किया आपके वर्क प्लेस पर किसी और से, अगर आपने इसको कुछ पकड़ा वकड़ा है, तो दे विल कम एज एन अपॉलोजी बिकॉज दे फील रियली जेन्युइन इमोशन फॉर यू। तो यहाँ पर तो जो लड़ाई होगी वो लड़ाई के बाद होगा कि फिर आप लोगों की, या तो देखें तीन चीज़ें, आप अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देंगे, आपकी लड़ाई हो जाएगी और ये चैप्टर बंद हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आप लोगों की स्टेबिलिटी है, आप लोग अचीव कर लेंगे जिस वजह से आपने खामोशी अख्तियार की थी, उसके बाद क्या होना है। लेट्स सी कि आप दोनों, मैं एक कार्ड आपके लिए लूँगी और एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए। आप अपने पार्टनर को यू वर्सेस देम में व्हाट डू यू वांट टू से, आप अपने पार्टनर को यू वर्सेस देम की रीडिंग में आप अपने पार्टनर को क्या कहना चाह रहे हैं। जस्ट बींग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, ओके। यानी कि आपके पार्टनर की जो जेन्युइन इमोशन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के आ रहे हैं, विच इज़ अ क्लियर साइन कि आप अपने पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हैं, लेकिन आप उनसे डिटैच हुए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको खुद ये अर्ज फील हो रही है कि अगर आप उनसे दूर होते हैं तो आपके लिए ये टॉक्सिक होता है, लेकिन अगर आप उनसे करीब होते हैं तो इट इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। यानी कि आप बुरी एनर्जीज़ को पिक नहीं करते, बल्कि इस पर्सन की एनर्जी के साथ ब्लेंड होकर आपके अंदर से एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी जो होती है वो फिल्टर होती है। तो ये शायद आप अपने पार्टनर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों ही एट अ टाइम बहुत ज़्यादा ग्लो करें। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या कह रहे हैं। My life is not as together as it seems. Okay, there is a struggle. आपके पार्टनर यकीनन किसी सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे हैं और वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके की ज़िंदगी मेरी है, My life is not as together as, यानी जिस तरह से वो दिख रही है ऐसी नहीं है। That means कि आपके पार्टनर जो है वो किसी स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। Let's see more आप लोगों के रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी, यानी लव messages. देखते हैं जनाब ओवरऑल। किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव, दिस इज़ द इंटीमेसी आई गेस विच यू बोथ आर मिस फीलिंग एंड मिसिंग। आप दोनों को रोमांस की, इंटीमेसी की, टाइम स्पेंड करने की एक एनर्जी आप दोनों के दरमियान से मिस हो रही है। दैट इज़ वाई आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील कर रहे हैं। नॉट टुडे, Not dealing, hurt, avoiding a conversation, call, person, boundary, still angry. चले जी, यहाँ पर जो बात आई थी throat chakra और tower की, अगर आज ही के आज आपके person की और आपकी बातचीत हो जाती है तो शायद लड़ाई ज़रा ज़्यादा heat up हो जाएगी। ठीक है, let's see कि आपकी इस reading का potential outcome क्या है। लेट्स सी कि आपकी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है। रीडिंग लंबी हो गई है तो आई अपोलोजाइज, मैं येस और नो सेशन नहीं कर सकूंगी, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए। बट लेट्स सी यू वर्सेस देम की रीडिंग में इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है। वर्क थ्रू योर फियर्स, ये बात तो पहले ही आ गई थी, द मून का कार्ड पहले ही आ गया था। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी यही आ रही है, फुल मून इन स्कॉर्पियो, दैट मीन्स अक्टूबर, एंड ऑफ अक्टूबर और मिड ऑफ नवंबर, समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। आप अपने फियर्स पे कंट्रोल पा लेंगे बाय नवंबर। कुछ ना कुछ लेकर आपको डर लग रहा है, इस बात को लेकर यकीनन आप डर रहे हैं, बट समथिंग इज देयर फाइनल। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डिसमिनेटिंग मून, आपको जितनी भी सफोकेशन और जितनी भी फ्रस्ट्रेशन और आपको एक पैक सी फीलिंग हो रही है उससे आप निकलिए, और यू नीड टू रिलैक्स योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर्मिट यहाँ भी है वहाँ भी है, वो बड़े पीस में है, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, ये बात मैंने पहले भी बता दी थी। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा वॉक करें, बाहर जाएं, ग्रीनरी की तरफ देखें, जो चीज़ें आपको रिलीफ दे सकती हैं, रिलैक्स कर सकती हैं, उस तरफ जाइए, ताकि जो आप अपने आप को इमोशनली नेचर से डिटैच फील कर रहे हैं, एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जी से डिटैच फील कर रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जी पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करें, यू विल फील गुड एंड यू नीड टू ब्रीद आउट। ठीक है जनाब, तो ये आपकी ज़बरदस्त सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी यू वर्सेस देम पर। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा और रीडिंग को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।